अरे मैंगो, हमारे दोस्त होंगे तो हम खा पाएंगे क्या मैंगो को? नहीं सर, राजू भाई। राजू भाई हमारे दोस्त हैं। ओके, इन्होंने क्या सोचा? मैंगो का बिजनेस शुरू करना है। समर सीजन चल रहा है, मैंगोज अच्छे खासे आए हैं, तो राजू भैया ने क्या सोचा, हम मैंगो का बिजनेस शुरू करते हैं। मैंगो की क्या शुरू करते हैं? ट्रेडिंग। क्या शुरू करते हैं? ट्रेडिंग, परचेस एंड सेल। अच्छा एक बात बताओ तीनों लोग, आपको जो स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, वो क्लियरली विजिबल है? मैं जो लिख रहा हूँ वो फॉन्ट्स क्लियर दिखते हैं आप लोगों को, पढ़ने लायक है या ब्लर हो रहे हैं? क्लियर है ना? हाँ बताना, इफ इफ यू आर नॉट एबल टू रीड इट आउट मेरे को बताइएगा। और फॉन्ट साइज ओके है? ओके, चलिए। तो ये राजू भाई के पास कितने रुपए थे हर्षा? 1 लाख। ये 1 लाख रुपीज से क्या किया राजू भाई ने? सोचा अपने पास 1 लाख रुपया है, तो अभी समर सीजन है तो हम क्या करते हैं, मैंगोज का बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्यों करना है, क्या इंटेंशन है बिजनेस करने का? टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस का यही इंटेंशन होता है? ये चीज आपको क्लियर है क्या? कमर्शियल एक्टिविटी किस लिए की जाती है? कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना है इसलिए, राइट? तो फर्स्ट डे आज है 6th of May। राजू भाई ने 6th of May 2020 को उनका बिजनेस शुरू करने का ठान लिया मॉर्निंग में। तो चले गए ये अपने बाजू वाले के पास, ये मिस्टर एम है, इनका एक शॉप है ना यहाँ पे, वैकेटेड है, खाली पड़ा है, एम्प्टी शॉप है एक, जहाँ पे अभी कोई टेनेंट नहीं है। तो राजू भाई चले गए एम के पास, बोले भैया मेरे को मैंगो का बिजनेस शुरू करना है, तो आपका शॉप रेंट से चाहिए। तो एम भाई साहब ने क्या बोला, ले लीजिए शॉप रेंट से, लेकिन डिपॉजिट देना पड़ेगा 20,000 रुपया, जो मैं आपको बाद में वापस करूंगा जब आप शॉप खाली करोगे मेरा। यही चीज हुआ था हर्षा? और रेंट कितना डिसाइड हुआ था मंथली? सो वी विल बी पेइंग अ रेंट ऑफ 2,500 पर मंथ, ठीक है? अब शॉप तो आ गया, शॉप किस लिए आया? हम मैंगोज लाएंगे, शॉप में रखेंगे, लोग आएंगे हमारी शॉप से खरीदेंगे, इसलिए शॉप लग रहा था, बराबर? अब राजू भैया ने सोचा बहुत सारे आम लाने हैं मेरे को, बहुत सारे, बहुत बार लाने हैं। अ नंबर ऑफ टाइम्स आई विल बाय एंड अ नंबर ऑफ टाइम्स आई विल सेल, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि मेरा खुद का एक व्हीकल रहे तो क्या बात है। तो उन्होंने क्या सोचा, छोटा हाथी लाया, टाटा एस, टाटा एस छोटा हाथी। इन्होंने एक सेकंड हैंड व्हीकल देखा, कितने का देखा हर्षा? 30,000, ठीक है? ये कितने साल चलेगा? पेपर पे 3 इयर्स चलेगा, और एक्चुअल में, हाँ हम जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे उसको, ठीक है? ये हुआ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने शॉप ले लिया, फिर ये हुआ हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल ले लिया। अब मेन चीज़ क्या लेना पड़ेगा अपने को वैष्णवी? दो चीज़ आ गई, लेकिन क्या चीज़ लेना पड़ेगा अब हमको? मैंगोस। मैंगोज। हर्ष आर यू एग्री, मैंगोज लेने पड़ेंगे अभी, क्योंकि जिसका बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो भी तो होनी चाहिए चीज़ हमारे पास। तो हम चले गए मार्केट में, हम कहाँ चले गए? सब्जी मंडी बोलते हैं हम लोग, वहां चले गए। कौन मिलेंगे हमको फिर? हमको मिलेंगे श्याम भाई, श्याम भैया, ठीक है? तो राजू भैया ने इनसे क्या डील किया कि आई विल बाय 150 kg ऑफ मैंगोज, क्या रेट लगाओगे? तो रेट हम लगाएंगे 80 रुपीज पर केजी। कितना हिसाब होगा कैलकुलेट वैष्णवी एंड हर्ष, कैलकुलेट करिए। ट्वेल्व थाउजेंड
एग्जैक्टली। और हमने इनको क्या किया, कैश पे कर दिया इमीडिएटली, तुरंत हाथों तो हाथ पैसा लगेज दे दिया, तुरंत दे दिया। अब इनका न अपना कोई संबंध रहेगा क्या लेन देन का, हिसाब हो गया, हमने मैंगोज लिए, उनको पैसे दे दिए जयराम जी के। आगे फिर आए हम, बाबू भैया का शॉप लगा, किनका शॉप लगा, बाबू भैया का। इनसे कितना आम लेना है हर्षा, क्या रेट लगाया बाबू भैया ने, क्यों ऐसे, क्यों ऐसे। बाबू भैया बहुत होशियार थे, वो राजू को अच्छे से पहचानते थे। राजू तो पैसे लाया नहीं होगा, इसको उधार देना पड़ेगा, इसलिए 80 रुपये का आम उन्होंने कितने में लगाया, 100। तो कितना बिलिंग हुआ वैष्णवी, बराबर माइक बैकग्राउंड में किसी का आवाज़ आ रहा है, थोड़ी देर के लिए म्यूट करिए, जब तक आसपास आपके कोई है तब तक म्यूट करिए, फिर ऑन कर लीजिएगा। बाबू भैया को हमने पैसे दिए क्या, कैश पे किया क्या, नो कैश पेड येट, विल पे आफ्टर 15 डेज, ठीक है। तो बाबू भैया ने हमको क्या दिया, बाबू भैया बोले राजू मैं आपको जानता हूँ, बचपन से पहचानता हूँ, आप मैंगोज बेफिक्र होके ले जाइए, पैसे आप 15 दिन बाद ला के दीजिए। तो हमारा क्या था वहाँ पे, एक राजू का क्या था बाबू भैया के पास, पहचान था, उसका बेनिफिट क्या मिला राजू को, बाबू भैया ने उनको क्या दिया, क्या दिया बाबू भैया ने। यूजुअली देखो एक सिंपल वर्ड में मैं क्रेडिट समझाता हूँ, कोई चीज़ अच्छी करते तो नहीं बोलते कि अपन यार उसने बहुत अच्छा किया, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट देना, क्या बोलते हैं, व्हेन वी अप्रिशिएट समवन, तो उसको बोलना है क्रेडिट देना उसको। तो सेम वे बाबू भैया ने राजू को क्या दिया, किस वजह से दिया, अरे क्या हुआ, आंसर्स दो ना, गेस करो, कोई नहीं गलत आया आया, जो भी आंसर आपको लग रहा है दीजिए। ये टर्म समझा क्या आपको, क्रेडिट वैष्णवी एंड हर्ष, पहचान था इसलिए हमने उसको थोड़ा ढील दिया, लिबरल एक लिबर्टी दिया, और एक क्या बोल सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि आप आज नहीं 15 दिन बाद पेमेंट ला के दोगे तो भी मुझे चलेगा, ऐसा बाबू भैया का कहना है। तो उन्होंने राजू को दिया क्रेडिट, ठीक है। अब क्या खबर फैली थी हर्षा, हर्षा क्या खबर फैली, हाँ राजू जी, भाई ने मैंगो का सेल चालू किया है। राजू भाई ने मैंगोस खरीद के लाए, कौन कौन आ गया फिर खरीदने, तीन लोग आ गए और तीनों ने ही पूरा माल हजम कर लिया, पूरा जो स्टॉक लाया था वो पूरा इन तीनों ने ही खा लिया। कितना लिया इन्हें, 10 KG बराबर, अच्छा 10 KG बाकी है, 90 KG। ओके हाँ 10 KG बाकी है, 90 KG इन्होंने लिया, क्या रेट लगाया हमने इनको, 125 KG पर किलो। 125 पर किलो, कितना हुआ अमाउंट। आप कैलसी यूज़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये जो अमाउंट आपने निकाला ये कैलसी पे निकाला या कैसे निकाला, ये वाला जो 90 × 125 है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो कि पेपर पे पूरा सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, करिए। 11,250 ये हर्षा का वॉइस है, ज़्यादा वैष्णवी, अरे सिमिलर वॉइस है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज। आगे और हर्ष आप भी पार्टिसिपेट करिए प्लीज, अगला आंसर हर्ष देंगे। ये बी भाई साहब ने 70 KG मैंगो बाय कर लिया राजू भाई से, इनको भी 125 का ही रेट लगाया गया, तो अमाउंट कितना होगा इनका,
हर्ष अमाउंट कितना होगा? 8,750। कैसे कैलकुलेट किया? मल्टीप्लिकेशन पेपर पे किया या हाथ कैसे, कैलसी या मोबाइल का कैलकुलेटर? पेपर पे किया है। वेरी गुड, इट्स अ गुड हैबिट। यू आर नॉट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन कैलसी। लास्टली हर्षा कितना बचा था इनको देने के लिए, कितना दिया इनको सी भाई साहब को? 20 kg। पर क्या बात हुआ था, सी भाई साहब ने क्या बोला राजू को? तो फिर राजू ने क्या किया? हालांकि बाकी रेट बढ़ा के लगा दिया, बाकी लोगों को तो 125 से दिया। और ये जनरली होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये सिनारियो रखा। एक्चुअल में ये ही होता है, ठीक है। इसका कैश आ गया अपने पास? इसका कैश आ गया? इनका आया क्या? नहीं आया। ओके चलिए, तो अभी कितनी एक्टिविटीज हुई है हमारी अभी तक पूरे दिन भर में? पूरे दिन भर में कितनी एक्टिविटीज हुई? पहली एक्टिविटी हर्षा क्या हुई? अरे उसके पहले भी कुछ तो हुआ होगा। सबसे पहले ये थॉट आया, तो थॉट आने के बाद हमने डिसाइड करने के बाद 1 लाख रुपए लगाया भी ना। यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कैपिटल माने क्या? ये बिजनेस ओनर ने खुद के बिजनेस को दिया हुआ पैसा या लोन, ठीक है। आपके नंबर पे आज एक लिस्ट आया है, दो पेपर का लिस्ट आया है, देखा है सबने? इंग्लिश इंग्लिश टाइप है, इंग्लिश बहुत कम है, हिंदी बहुत ज़्यादा है। तो वो नोट्स पढ़िएगा फिर से, ठीक है। उसको ल्यूसिड लैंग्वेज में हमने बनाने की कोशिश की आपके लिए, कि आपको ये टर्म्स है ना फटाफट समझते जाए। तो बोलिए कैपिटल मतलब क्या? एग्जैक्टली, ओनर ने अपने बिजनेस को दिया हुआ पैसा, इसका मतलब क्या है? कैपिटल। मतलब ओनर जो खुद देता है लोन उसको बोलना है कैपिटल, और बाहर वालों से अगर हमने पैसा लिया तो उसको बोलना है लोन। क्या बोलेंगे? ओके चलिए आगे, फिर क्या इवेंट हुआ? शॉप लिया रेंट पे, तो ये क्या दिया हमने? वापिस मिलने वाला है क्या ये? ये वापिस मिलने वाला है हमको? कब मिलेगा? तो हम शॉप अभी वैकेट करने वाले हैं क्या? नहीं, तो ये फ्यूचर में मिलेंगे, तो इसको बोलना है असेट। क्या बोलना है? असेट मतलब क्या? कि हमारा पैसा, हमारा किसी चीज पे एक राइट बनता है कि हम उससे पैसा ले। क्या बनता है? हमारा अधिकार, हक बनता है कि हम फ्यूचर में जाके उस पर्टिकुलर डेट पे, उस पर्टिकुलर डेट पे जब वो इवेंट स्ट्राइक होगा तो हम बोलेंगे भाई साहब 20,000 रुपये लाओ, हमने आपका शॉप खाली कर दिया। ऐसा ही करेंगे? तो ये होता है असेट। असेट का मतलब ही ये है कि आपका अधिकार है उस चीज़ पे, कभी ना कभी आप उसको वसूल करोगे पैसों में, समझे? ये हम और देखेंगे बाद में, इतना समझिए कि ये हो गया हमारा असेट जो हमने अभी तात्पुरता किसी और के पास दिया है, ठीक है। लॉकर पता है, बैंक का लॉकर पता है आप लोगों को? सभी को पता है, सभी को पता है बैंक का लॉकर, या बैंक में FD करते ये चीज़ पता है? तो मुझे बताइए, मान लीजिए आपके पास ढेर सारे गहने हैं, ढेर सारे सोने की चीज़ें हैं, और आपने बैंक में ले जाके दे रख दी लॉकर में, तो वो चीज़ें किसकी रहती है? मान लीजिए वैष्णवी चली गई उसकी चीज़ें लेके बैंक में रखने के लिए,
तो ये चीज किसकी रहेगी, कभी भी वैष्णवी की रहेगी या बैंक वालों की? वैष्णवी की। अरे अरे क्या हो गया, कॉन्फिडेंटली बोलो, ये चीज आपकी है, आप ही का अधिकार रहेगा उस पर। कॉन्फिडेंटली बोलिए एक बार। नहीं समझा क्या लॉजिक? नाउ कर में रख रहे हो, ठीक है, तो अगर बैंक की लॉकर में रख रहे हो तो इस पे अधिकार किसका है, बैंक का क्या वैष्णवी का? हाँ हाँ सिमिलरली आप मान लीजिए आप पैसे रख रहे हो उस शॉप ओनर के पास कुछ समय के लिए, जब तक आप वो शॉप यूज करने वाले हो, तो ये पैसा किसका है, आपका क्या शॉप ओनर का? यस, तो दिस इज कॉल्ड एज असेट। असेट का प्रॉपर्टी है किसी एक दिन आप वो इवेंट जब आएगा, प्रॉपर इवेंट जब आएगा, तो आप आपका पैसा वसूल कर सकते हो फिर से, उसको बोलना है असेट, ठीक है। और ये रेंट क्या है, ये रेंट क्या है? क्या है? हर्ष। अरे इस दे सभी ठीक चल रहा है ना सेशन में, या आवाज नहीं आ रही, ऐसा कुछ है? आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर रिप्लाई राइट नाउ। आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है। हेलो हर्ष, ये जो रेंट हम पे करने वाले पर मंथ, ये हमारा क्या है, खर्चा है कि क्या है? क्यों खर्चा मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या? एक बार जो हो गया हो गया, वापस मिलता है क्या वो? नहीं मिलता, इसलिए उसको बोलना है खर्चा। और ये होता है नॉमिनल अकाउंट, ये बाद में सिखाऊंगा, जस्ट लिख लो आप बाद में। उसके बाद क्या किया हमने, सेकंड इवेंट, सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है? व्हीकल परचेस किया, टाटा व्हीकल। कितने दिन यूज करने वाले हैं? 3 साल। तो ये हमारा क्या है फिर से, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो, मेरे को सुनाई दे रहा है, कोई तो धीरे से बोल रहा है, विस्परिंग कर रहा है। फिक्स एसेट्स, कौन था वो विस्परिंग वाला? थोड़ा जोर से बोलिए। गलत आंसर, गलत आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई इवेल्यूएशन नहीं कर रहे, हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ही एक जगह आए हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स क्यों, फिक्स एसेट्स क्यों? क्योंकि हम 3 साल यूज करने वाले, अब चेंज करने वाले क्या इसको, फिक्स करने वाले इसको, बराबर। ओनरशिप किसका है, हमारा है, इसलिए असेट। फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? मैंगोज बाई किए, बाइंग या परचेसिंग बोलेंगे हम लोग, बराबर। क्या हुआ, किन से किया? श्याम भाई और बाबू भाई। तो श्याम भाई से जो किया उसका कैश पे कर दिया था, तो वो होगा कैश परचेस। सब क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कैश परचेस, परचेस में भी कैश परचेस, परचेस में भी क्या है, ये कैश परचेस, मतलब जिसका कैश हमने तुरंत दे दिया। और बाबू भाई से जो किया वो क्या है, क्यों ऐसा है? बाबू भाई ने हमको क्रेडिट दिया, इसलिए हम बोलेंगे क्रेडिट परचेस। और बाबू भैया हमारे कौन बन जाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि हमने उनसे उधार लिया है। या उन्होंने हमको क्रेडिट दिया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अगर बात किया जाए तो, बराबर। और हम क्या बन जाएंगे उनके, हम क्या बन जाएंगे, डेटर, डेटर, हम बनेंगे डेटर। यहाँ पे लिख रहा हूँ 4000 के नीचे, थोड़ा दिक्कत दे रहा है मेरा टैबलेट आज लिखने में फिर से।
पॉइंट्स खत्म हो गए मेरे पेन के। सो थोड़ा मैनेज करिएगा, थोड़ा स्लो चलेगा। फिर आगे क्या हुआ? यस, आगे क्या हुआ? मैंगो सेल किए हमने, तो ये पाउंड हुआ में मैंगो सेल किए। सेल, ये हुआ सेल का ट्रांजैक्शन, बराबर। और इनको क्या बोलना है? एबीसी को कस्टमर। सुना है ये वर्ड कस्टमर? कस्टमर सुना होगा ना वर्ड? अरे कस्टमर आया, देख काउंटर पे, जनरली यूज करते हैं लोग। ओके, ये तीनों हैं हमारे कस्टमर जिनको हम करने वाले हैं सेल। ए और बी को कैसा सेल किया हमने? कैश में। तो ये क्या हुआ? और आखिरी वाला तो अब क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट सेल करने की वजह से क्या होगा? हम क्या बन जाएंगे? हम क्रेडिटर। और सी? एग्जैक्टली, करेक्ट। समझा यहां तक?